एक मूर्ख पंडित जंगल में एक पेड़ के नीचे माँ दुर्गा की पूजा पाठ कर रहा था। उसकी इस पूजा पाठ से खुश होकर माँ दुर्गा प्रकट हुई और पंडित से बोली, मैं तुम्हारी पूजा से बहुत खुश हूँ। आंखें खोलो पंडित जी, बोलो तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें एक वरदान दे सकती हूँ। बोलो तुम्हें क्या चाहिए। पंडित जी ने संजीवनी बूटी की मांग की और माँ दुर्गे ने अपने हाथों से संजीवनी बूटी प्रकट की और पंडित को देते हुए कहा, तुम्हारी पूजा से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें यह संजीवनी बूटी दे रही हूँ। तुम कभी भी तुम इससे किसी भी मरे हुए प्राणी को जिंदा कर सकते हो। और इतना बोलकर माँ दुर्गा वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। पंडित संजीवनी बूटी पाकर बहुत खुश था और घर जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसके मन में एक बात आई और सोचा, कहीं दुर्गा माँ के द्वारा दी गई संजीवनी बूटी नकली तो नहीं है, इसलिए इसको एक बार जांच करके देखना चाहिए। हो सकता है वो ऐसे ही घास के पत्ते हो, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये असली संजीवनी बूटी है या फिर नकली। तो उसको रास्ते में एक मरा हुआ शेर मिला। मूर्ख पंडित ने सोचा, क्यों ना इसी पर अजमा कर देख लूं कि यह संजीवनी बूटी असली है या नकली। वो शेर के पास गया और संजीवनी बूटी को हाथों में लेकर मसलने लगा और शेर के ऊपर डालने लगा। तभी शेर धीरे धीरे जिंदा होने लगता है और पंडित खुश हो जाता है। अरे वाह, यह तो असली की बूटी है, अब मैं तो मृत्यु को विजय पा लूंगा और सारे गांव वालों मेरे पूजा करेंगे। तब तक शेर खड़ा हुआ और जोर से दहाड़ने लगा। पंडित चौंक गए और सोचने लगे, यह मैंने क्या किया, शेर को जिंदा कर दिया। वह वहां से भागने लगा और शेर भी उसके पीछे पीछे भागने लगा और शेर ने उस मूर्ख पंडित को मार डाला और अपना शिकार बना डाला। तो बच्चों, इस कहानी से क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कोई भी काम बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। किसी भी काम को करने से पहले हमें सोच विचार करना चाहिए कि वह हमारे लिए सही है या फिर गलत। अगर बिना सोचे समझे कोई भी काम करेंगे तो वही हाल होगा जो मूर्ख पंडित का हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये कहानी आप लोगों को समझ में आई? समझ गया दादाजी।